यार उस कमेंट को ही नहीं पढ़ मुसलमान को म्यूट कर दो। ये बैठी आंटी इनसे पूछो, ये अपने घर में बैठी इनको क्या तकलीफ है, मुस्लिम है ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। ये बात पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के आगे अपने खानदानों को खराब करके तो अभी बस शादी माफी हो रही है। पर्सनल लाइफ को हम डिस्कस नहीं करना चाहते, हम नहीं कहते कि माँ जी कब आएगी, वो अपने घर पे बैठी भी वाकई हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम उसे वो अपने घर पे बैठी है। ठीक है ना, मुस्लिमा कह रही है जैसे उसने लगाया था कि वो रोक रहे हैं, वो आने नहीं देंगे, कौन रोक सकता है? आपका मामला है वो, आप लोगों के घर का कोई नहीं रोक रहा। मेरा थोड़ा सा वो मसला था, मैंने भेजे थे वो मरियम फाद को, पता है मेरी बेटी को, उसने देखे थे मेरे वो आए थे। पेपर वर्क अभी चल रहा है, ठीक है ना, जब कंप्लीट हो जाएगा ना वो अपना घर, उनका पाकिस्तान में भी है, सऊदी में भी है, जहाँ उनका दिल करेगा ना वो लोग वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, कोई रिपोर्ट के ऊपर ढोल बजाएं, कोई भी हमारा कोई भी ऐसा बेटा नहीं है जो अपनी माँ को या बाप को आके धमकाएगा। एक मिनट, ये शुरू से रहता है ना ये ना लेके आते ना ये हाल ना होता। अब तो रहता फैल गया है ना, ठीक है, दोनों साइडों से फैलाया गया, एक साइड से नहीं। इस चीज को भी खत्म करो, और बातें मैं नहीं करूंगा, अगर और बातें मैं बैठ के करूंगा ना ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। साजिद क्या कह दो, साजिद गया, साजिद गया। अच्छा तो अभी जो ये बात चल रही है ना, ये यही हो गया, डन हो गया हमें पता है आप अपने घर पे, हमें कोई भी इंटरेस्ट, हमें दिलचस्पी नहीं है कि आप आओ या बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ पे भी आप अपनी बेटी के घर जाओगे, यहाँ पर भी आप अपनी बेटी के पास हो, तो हमें मुझे बहुत अच्छा, 6-7 साल हो गए हैं, मैं अभी आ रही हूँ, मैं तो कब की कह रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं रोक रहा, बस मेरा थोड़ा मसला। मुझे पता है आप अपनी बेटी के घर पे हो और बेटी के घर से ही आओगे, मुझे ये बिल्कुल, हम लोग कोई पर्सनल चीजों को ना मैंने डिस्कस किया, ना कभी मैं बात करना चाहूंगी इन मामलों में, क्योंकि मैं वही बात करती हूँ जो मुझे वीडियो तक नजर आती है, समझ आती है। एक मिनट, एक मिनट, आप तो आई थी ना हमारे घर में, आप देख के गई थी ना हमने जो इनको तकलीफ में रखा हुआ है। ये मुस्लिमा देखे बोल रही है, उनको धमकाते हैं, उनको ये करते हैं, उनको वो करते हैं, ठीक है ना, तो मुस्लिमा ये मामला खत्म हो रहा है, किसी नए बंदे को मत लो। वो जिस तरह से रह रहे हैं हमारे घर में, उनको किसी चीज की कमी नहीं, वो अपने घर में ही रह रहे हैं, हमारा नहीं है बल्कि हम उनके घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मुस्लिमा ने दुकान चलाई हुई थी ना, ये अपने अब्बू को धमकियां दे रहे हैं, अम्मी को दे जी। असगर भाई रुके एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। असगर भाई देखे, बिल्कुल बहस ना करें, मुस्लिमा को ना बोलें, जाहिद को ना बोलें, सितारा को ना बोलें, मरियम को या किसी सपोर्टर को मत बोलें। आप यहाँ बात खत्म करने आए हैं, दो टोक बात होनी चाहिए थी, दरमियान में मजीद मसाला और रायते की जरूरत नहीं थी। सीधी बात है, आप एग्री कर गए, अम्मी ने हमें कहा है तो हम अम्मी और अब्बू की बात पे वहीं पे, हमें तो अगला सितारा का कहने की भी जरूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं सितारा की कम्युनिटी लगे, सितारा की वीडियो बने, हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। सुने मेरी बात, सुने पहले मुकम्मल होने दे, मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं जो हूँ, मेरा ये कहना है कि अम्मी और अब्बू ने कह दिया ना, आज के बाद सपोर्टर्स के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। लेकिन लेकिन कल जब सलमा वीडियो बनाएंगी या जो भी वो करेंगी, इस टाइम कम्युनिटी सितारा नहीं लगाएगी ना वीडियो जो है, पहले सुने असगर बोलिएगा नहीं, पहले सलमा ये वीडियो क्लियर कट बात पे बनाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं होगी, सीधी बात होगी। जो बात मैं इस YouTube पे लाई थी, ये भी नहीं होगा कि मेरी अम्मी ने कहा है, चलो ठीक है, अगर वो कहना चाहती है तो फिर सितारा भी ये यूज कर सकती है, लेकिन वो क्लियर कट बात कहेंगी, जो चीज मैं YouTube से लाई थी, जो मैंने आपके सामने रखी थी, मैं उसे उठा रही हूँ, अपनी अपनी जबान दे रही हूँ कि आज के बाद ना मेरे सपोर्टर्स, ना कोई और बंदा सितारा उसकी बेटियों पे, किसी सपोर्टर की बेटियों पे, ना किसी बंदे पे ये बात होगी कि फलाना आदमी आ गया, एजाज आ गया तो चमकाना आ गया। ये बात मैं कह रही हूँ कि मेरे सपोर्टर्स ये काम नहीं करेंगे, वो होगी वीडियो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। सितारा से बात करने करना चाह रही है, एक मिनट, मसला खत्म करें, हेलो सितारा, सितारा हेलो जी, अम्मी सुन रहे हैं। सितारा लगा दो कमेटी, सलमा ने लगा लिया, लगा लो।
देख लो लगा लिए उसने, तुम भी लगा लो मेरे कहने पे। अल्लाह मेरे सर में दर्द है, मैं इतनी गोलियां खा के सोई हूँ, अभी मेरा सर फट रहा है, लगा लो। बस जो बात हो गई है ना वो हो गई है, ठीक है, इस मसले को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। दोनों बहने असगर भाई एक टाइम की जरूरत नहीं है, हम सितारा की बात मानते हैं। आप प्लीज मुझे एक मेरी बात, वो अपनी अम्मी की बात ना माने, आपकी माने या जो भी करे, बात जो है ना बढ़ जाती है। एक सेकंड मैं वो खत्म करवाने लगा हूँ। सितारा सिस्टर एक मिनट माइक ऑन कीजिएगा, आप किस टाइप की वीडियो एक्सपेक्ट कर रही हैं? किस टाइप की वीडियो? इसी टाइप की वीडियो मेरी वाइफ भी डालेंगे। एक सेकंड चुप करना ना भाई, एक मिनट चुप करें, बताओ किस टाइप की हो। सितारा से मेरी बहन से, छोटी बहन है मेरी, सितारा मेरी बहन, आप किस तरह की वीडियो एक्सपेक्ट कर रही है? ना ये मैं टॉपिक यहाँ पर लेकर आई थी, ये अपनी मर्जी से लेकर आए और अपनी मर्जी से खत्म कर रहे हैं। अब मैं अपने इन इतने सारे जो मेरे 8.5 लाख बंदे हैं, मैं उनको क्या बोलूं कि मैं कौन सा लाई थी और मैं कौन सा खत्म कर रही हूँ। मैं बस मैं यही बोलूंगी कि कोई किसी के ऊपर बात ना करे, मैं इतना बोलूंगी। बाकी अगर के ये लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं और ये ऐसा करेंगे कि नहीं हमने जो बोला था वो बिल्कुल सच था, हम आज भी उस पर कायम है, बस इस बात को अब खत्म करें, तो ऐसी बातें करके मुझे और मजीद सारा ऐसी वीडियो कोई भी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। सलमा ये बात करेगी कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा और ये मैं मामला जो यूट्यूब से खत्म कर रही हूँ, अपने सारे सपोर्टरों को रोक रही हूँ, बस खत्म। ये नहीं बोल, ये नहीं बोलना, ये शर्त हो गई है, ये शर्त वाजिब हो गई है कि माँ का हुक्म बजा लाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये चीज जो कल हमारा कॉन्फ्लिक्ट बनना था ना, मैं उसको आज खत्म करना चाह रहा हूँ। ये वे नहीं है वीडियो का, मैं इसीलिए सितारा सिस्टर से ये बात की है, उनका दोनों बहनें यही बोलेंगी कि हमें हमारी अम्मी ने कहा है और हम माँ के कहने पे हम लोग ये चीज यूट्यूब से खत्म कर रही है दोनों बहनें। और आज से हमारे जो सितारा के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो तो फिर स्टिल वही है। जाहिद एक मिनट छोड़ दो इस चीज को, फिर अगर मैं दोनों साइडों से जो इल्जाम लगे हैं या जो बातें हुई है ना, एक सेकंड हम सितारा से पूछ लिया ना, तो ये खुद ही कलमा पढ़ रहे हैं, खुद ही छुरी फेर रहे हैं, जो खुशी है ना नीचे छुरी के नीचे है ना। एक सेकंड पूछ ले कि मेरी बहन छुरी तेरे ऊपर चली है, डालो वीडियो, ठीक है ना, कि मैं अपनी अम्मी के कहने पे ये चीज यूट्यूब से खत्म कर रही हूँ, मेरे सपोर्टर आज के बाद सलमा पे बात नहीं करेंगे, सलमा भी यही अपनी वीडियो में बोलेगी। दो मिनट में कम्युनिटी लगा देगी तो मैं अपनी माँ के कहने पे ये चीज, ये मामला यूट्यूब पे खत्म कर रही हूँ। वो तो लाइव में नहीं बैठी हुई सलमा जोहा की लाइव में बैठी है, मेरे सामने बैठी हुई, तू झूठ बोल रही हो, ये हमारे सामने बैठी मोबाइल उसका हाथ में है, जोहा की लाइव में चुप करके। असगर आप अच्छा कम्युनिटी कम्युनिटी सलमा ने क्या लगाई है? अम्मी जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक सेकंड अम्मी जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे नुकसान ऑलरेडी हो चुके हैं ना, बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले तो आप ना हिम्मत करें, आप थोड़ा हौसला करें, ये बात खत्म होनी चाहिए। आप जो बात कह रही हैं बस मेरी तबीयत, तो अम्मी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी तबीयत का सिर्फ असर जो है ना इस टाइम सिर्फ सितारा पे पड़ेगा, ठीक है? सितारा पे क्यों पड़ेगा? ये सलमा उसकी बेटी नहीं है। असगर मेरी बात सुने, नहीं नहीं मैं बिल्कुल सीधा सुने, मेरी बात सुने, असगर मेरी बात सुने, इस टाइम ना सुने, असगर चुप करें, सितारा पे क्यों पड़ेगा? जो यहाँ पे बैठे हैं वो उसके बच्चे नहीं हैं, आप चुप करके बैठे बीच में। आप मेरी बात सुने, जो सितारा कहेगी पहले उसकी, हम पहले उसकी बात सुने। मैंने यही बात अभी बोली है, हर बंदे को माइक देने का शौक होता है, हर बंदे को माइक, एक सेकंड खामोश होके सितारा की स्टेटमेंट लेने दे प्लीज, सितारा को बोलने दे। मुझे वीडियो बनाने में कोई मसला नहीं है, मेरे ऊपर जो ये जानी वाला टैग लगवाए ये अपनी बीवी से बोल कर या खुद बोलें जो बोलें, दोनों बैठ के अपना ये टैग हटवाएं, मैं अभी की अभी वीडियो बनाकर डाल दूं। ये डिमांड है जी ब्रदर हमारी, आप समझ आइए, ये डिमांड है। अब मैंने असल बंदे से पूछवाया आपको, हम खुद ही मुनसिफ बन रहे हैं, खुद ही आपने चूड़ियां उठाई हैं, खुद ही कलमे पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से भेड़ बकरी उठा के हम जबानी करेंगे। बात तो सुनो एक मिनट, केरे टैग हटा भेजो,
टैग लाते ये टैग जो आपने सितारा के ऊपर लगाया इसको साफ करो। जानी वाला। कौन सा वाला? जानी वाला। जानी वाला। छोटी सी बात नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि माइक सारे म्यूट करो, सितारा को बोलने दो, म्यूट सितारा को बोलने दो। सितारा की माँ भी सुन रही है, सितारा की बहन भी सुन रही है, सितारा का खावत भी सुन रहा है, सितारा के 870,000 सब्सक्राइबर भी सुन रहे हैं। हम सुनना चाह रहे हैं सितारा के मुंह से। सितारा ये कहना चाह रही है कि मेरे ऊपर जो टैग लगा है ना आयत की माँ के ऊपर, तैबा की माँ के ऊपर, कि ये जानी है, ये टैग उतरवाना है हम लोगों ने, और आप लोगों ने ये टैग उतारना है, ये सलमा उतार सकती है। अज ये तुम उतारो या सलमा उतारे जी, ये डिमांड है सिर्फ। बिल्कुल, उसको सारे 8 लाख लोग, 9 लाख लोग तकरीबन देखते हैं, उन लोगों को क्या जवाब दे? 10-50 लाख को छोड़ो, ठीक है ना, किसी के कितने लाख है मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोनों बहनें कल अपनी माँ के कहने पे ना वीडियो डाल रही हैं यूट्यूब से, ये चीज खत्म कर रही हैं, बस खत्म। एक सेकंड चुप करो। सितारा सिस्टर, आपको ये बात कबूल है? अगर ये अपनी अम्मी के कहने पर बात खत्म कर रही है तो ये अपना टॉपिक जो लाई थी वही खत्म कर रही है ना? अपने टॉपिक को छोड़ो सितारा। मैं क्या बोलूं? नहीं ठीक है, अम्मी मुझे मेरी बात का जवाब दे। मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूं कि जो इन्होंने बोला था वो सब ठीक था, और मुझे माफ करें और इस बात को खत्म करें। एक चीज को ना चुप कर जाओ, ठीक है ना, जो मम्मी कह रही है ना उस कहने पे वीडियो डालो, खत्म करो। दोनों बहने क्यों पब्लिक का दिमाग खाया हुआ है? मैंने पब्लिक का दिमाग नहीं खाया। इसको तो सडन अपने बाल काटने पड़ गए कि मेरी बहन ने ये क्या बोल दिया। आके प्रिपेयर करके प्रोफेसर ने पहले आके बयान दिया। सोचो असगर भाई ना, आप लोगों को बच्चा बनाओ। आपके वो जो पिल्ले ने आके प्रिपेयर करके प्रोग्राम, उसने सबसे पहले इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया, उसने पूरी प्लानिंग करके सितारा के ऊपर वार किया है। और किसने वार करवाया है? आप लोगों ने प्लानिंग किया। एक मिनट, जाहिद प्रोफेसर आजम ने क्या ये स्टेटमेंट नहीं दी थी? छोड़ दो इन बातों को, ठीक है? दोनों बातें छोड़े, जो बातें हो रही है उसको छोड़े, मगर जो बात सितारा कर रही है उस चीज को क्लियर करें। अंदर भाई बात सुनो, हम अपने दुकानें, हमारी दुकानें गई बाढ़ में, तुझे मैं अपना जीमेल देता हूँ, उठा के काट दे मेरा मोबाइल, उड़ा दे। मैं लानत डालता हूँ वैसी कंट्रोवर्सी के ऊपर, मैं लानत डालता हूँ वैसी वीडियोस के ऊपर। लेकिन जिस तरह इन दोनों बहनों की मार हो रही है ना, खुदा कसम आफरीन है, और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर जन्नत वाजिब नहीं है। खत्म कर रही है तो फिर ये सितारा बीच में कौन सी शर्तें रख रही है? तो इतनी सी बात बोल दो ना भाई, इतनी सी बात बोलने में गलतफहमी है भाई। असगर मैंने तुम्हें 1000 बार बोला था, ये गलतफहमी क्रिएट की गई है इन दोनों बहनों के दरमियान में। सलमा ने मेरे सामने बैठ के 4 बार इस बात से डिनाई हुई है। सलमा कभी बोलती है मेरे पास वीडियो है, कभी बोलती है चैट है, कभी बोलती है फ्लां है, कभी बोलती है टमका है। अपनी बातों में खुद फंसी है। मैंने कमेंट हाईलाइट किया, पहले इसका जवाब दे असगर भाई, इसका जवाब दे जो मैंने कमेंट हाईलाइट किया। मुझे जो है ना भाई ना बोले, आप तो मुसलमान क्या? मुझे भाई बोलो, ठीक है? मैं कमेंट भी, अगर आप ये एक मिनट अगर आप बोलोगी ना कि इस चीज का आप मुझे जवाब दे, मैं किसी भी चीज का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। फिर मैं सलमा की बातों का जवाब दूं, सितारा की बातों का जवाब दूं, ऐसे मामला बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? सितारा ये मामला खत्म करें यूट्यूब से, ठीक है ना? तुमने कल तुमने इस कम्युनिटी डालनी है और अपनी वीडियो डालनी है। मरियम फहद इसके अगले पिछले भी हमने सिर्फ सितारा यासीन से बात करनी है। हमारे लिए ये काबिले एहतराम है, हमारी मेरी छोटी बहनों की जगह पे है। सितारा यासीन अगर ये बात पे एग्री है ना, अगर सितारा यासीन इस बात पे अग्री है, हम सितारा यासीन को ना किसी प्रेशर में आने देंगे, ना इसकी मां को। सितारा अगर बोलती है कि ये जो असगर बात बोल रहा है ये ओके है, तो देन फाइन। जब सितारा ये बात नहीं बोल रही, सितारा यासीन इधर बैठी है, ये सलमा ने कम्युनिटी लगा दी है। अब मेरी बात सुने, एक बात बिल्कुल सिंपल सी है, असगर इतना हाइपर ना हो। आप जरा सुकून से असगर को बोले कि बात सुने, कि चीजें जो है
ये चीजें जो है वो बड़ी आसानी से आप लोग कह रहे हैं, जो चीजें आप लोग लेके आए हैं एटलीस्ट चीजें क्लियर तो करें ना, लोगों को फिर सवाल उठेंगे, लोग वीडियो बनाएंगे, फिर हमें जब बोलेंगे हम जवाब नहीं देंगे, हम कहेंगे सितारा ने रोका है। अब हम मरियम, मैं यही बात कह रही थी कि सितारा हमें कह देगी, लेकिन अगर उन्होंने ये बात ना की कि मैं जो मुद्दा लेके आई थी मैं उसको इस YouTube से उठाना चाहती हूँ, मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहना है कि वो प्रेशराइज्ड है, अल्लाह के नाम पे माँ के नाम पे ये बात खत्म करी है, बात कोई चुप नहीं करेगा। प्रेशर है, उनको प्रेशर है। अब ये बात चीजें ना वो लटकाने वाली बात है। अगर आप वहां से सलमान ने एक वीडियो बनाई, उसका जवाब जो है वो उसके हेटर्स जो है वो ऑब्वियसली वीडियोस बनाएंगे। हम सितारा के मुंह पे और यहाँ पे किए हुए वादे की वजह से हम खामोश रहेंगे, लोगों का क्या सितारा की तरफ से क्या इमेज आएगा कि ठीक है जी सलमान ने बता दिया कि वो प्रेशर में थी और अब उसके हेटर्स जो है वो बोल रहे हैं, मगर हम सितारा के मुंह की वजह से बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो प्रॉमिस कर दिया। तो अब वो बोलेंगे हम तो थे नहीं, हमें तो पता ही नहीं, आप लोगों ने किया है, आप लोग ना बोले हम तो बोलेंगे, तो इस चीज को कोई भी नहीं रोक पाएगा, फिर हम कब तक चुप रहेंगे। ये जोहा ने एक दफा बोला भी था कि जी हम तो सितारा के ऊपर रिएक्शन देंगे, याद है जब मरियम मैं और आप नशीन बैठे हुए थे, बिल्कुल 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 याद है, जिसने बोला हम तो देंगे रिएक्शन सितारा के ऊपर, मैंने कहा यार आप सितारा की चाय के ऊपर रिएक्शन दे लो ना, कि सितारा की चाय का कलर सही नहीं है भाई, सितारा ने